अलैकुम। अभी क्रॉस सेक्शन के बारे में हम देखने जा रहे हैं। क्रॉस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को मैं बता देती हूँ जिनको हम यूज़ करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन का सबसे पहला फार्मूला ये होता है, जो कि इसमें सिग्मा जो है ये टोटल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और जैसे हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पढ़ा था ना, ये उसका वो टोटल क्रॉस सेक्शन है, और ये नॉर्मली गिवन होता है। और एन ये नंबर ऑफ एटम्स है, टारगेट एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसे नंबर डेंसिटी हम कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट वॉल्यूम। और जी जो है, जी उसकी थिकनेस होगी या डेप्थ होगी। एक लेट्स से थिन फॉइल है, ठीक है, जिसकी थिकनेस जी है, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे नंबर डेंसिटी कहते हैं, वो एन है। और सिग्मा जो है, यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल इस पे बम्बार्ड हुए हैं, जिनकी इंटेंसिटी लेट्स से आई है, आई नॉट है, ठीक है, वो इंसिडेंट हुए इन पे। और सिग्मा क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंगली वो पार्टिकल स्कैटर हुए, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल जो सर्वाइव करेंगे, कुछ तो रुक जाएंगे, ठीक है, एज डिस्टेंस चलेगा, जो पार्टिकल ओरिजिनल डायरेक्शन में रह जाएंगे या रह जाएंगे, वो एन से हमें मिलेंगे। और सारे जो हैं उन्होंने या रिएक्ट कर लिया, रिएक्शन के फॉर्म में न्यूक्लियर फिजिक्स में लिया जाता है कि और सारों ने इंटरेक्शन करके रिएक्शन दे दिया, जो बच गए, ठीक है, वो एन होंगे। तो अब इसी तरह इसकी एक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू इनिशियल वाले जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से माइनस जो फाइनल रहेगी, डिवाइड बाय डेल्टा टी। और ये फिर एन नॉट माइनस, यहाँ पे एन नॉट, एन की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, सिग्मा एन जी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये एन नॉट बाय डेल्टा टी कॉमन हम अगर ले लें, तो ये 1 माइनस e^-, सिग्मा एन जी, इसको अप्रोक्सीमेशन हम लगाएं तो ये जो पावर है वो शुरू में आ जाती है सिर्फ, और ये पूरी क्वांटिटी इसके इक्वल हो जाती है। तो ये डेल्टा एन बाय डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल्स टू एन नॉट बाय डेल्टा टी, यहाँ पे ए को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे सिग्मा एन जी ए कर देते हैं। तो ये एन नॉट डिवाइड बाई, ये इंसिडेंट फ्लक्स होता है, ठीक है, इंसिडेंट फ्लक्स सिग्मा क्रॉस सेक्शन जो गिवन होता है, एन जी ए जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं टारगेट के, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं इससे ऐसे। और ये डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज़ रिएक्शन रेट या फिर एक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन फार्मूला एक ये यूज़ होगा, और एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा एन जी, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। रेफरेंस इसलिए दे दिया है ताकि मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ताकि जो अगर फार्मूला भूल जाए या इस तरह का केस, तो या इस फार्मूला को समझ पाएंगे कैसे कहाँ से आ रहा है। और इसके अलावा ये एक्टिविटी जो है, जैसे इसके फॉर्म में भी गिवन है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के फॉर्म वगैरह में गिवन है, इसी तरह आप इस एक्टिविटी को जो हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट था वो भी इसमें अप्लाइड होता है, जिसमें एक्टिविटी इसके इक्वल होती है। और ये लैम्डा, ये जो एन नॉट की वैल्यू, ये डी एन बाई डी टी लिखें या डेल्टा एन बाई डेल्टा टी लिखें, एक ही बात है, ठीक हो गया। इसी तरह जो एक और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला एक जगह यूज़ होगा, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इक्वल्स जो फ्लक्स पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेकंड रिसीव हो रहे होंगे स्क्रीन पे, डिवाइडेड बाय इंसिडेंट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और मल्टीप्लाई बाय टारगेट पार्टिकल कितने होंगे, और मल्टीप्लाई बाय डी ओमेगा। तो ये हम इनकी वैल्यूज़ पे देख लेंगे, डी ओमेगा की वैल्यू हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, ए बाय आर स्क्वेयर। अब इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है कि हमने थिकनेस फाइंड आउट करनी है। थिकनेस मैंने आई थिंक जी से रिप्रेजेंट की थी, फॉर्मूला बाद में मेंशन करते हैं। थिकनेस हमने फाइंड आउट करनी है इंडियम फॉयल की, और एनर्जी वगैरह उसकी गिवन है, वो यूज़ नहीं होगी। उसके अलावा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन गिवन है 28,000 बार, और जो बार है वो इक्वल होता है 10^-28 m² के, ठीक है। तो ये हमने सिग्मा ये लिख लिया। उसके अलावा इसमें गिवन है डेंसिटी, उसकी गिवन है 7.3 g/cm³, तो इसे पर मीटर क्यूब में करते हैं,
क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में किया हुआ है, तो सेंटी टेनिस पर माइनस टू होता है तो उसका क्यूब बनेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मीटर क्यूब यूनिट्स हैं, तो वो फिर ये नीचे माइनस सिक्स होगा ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस सिक्स हो जाएगा। 7.3 मल्टीप्लाई टेनिस पर सिक्स ग्राम्स पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी आ चुकी है। और मोलर मास इसका गिवन है, दैट इज़ 114.79 AMU। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 1% वो एब्जॉर्ब करे, 1% एब्जॉर्ब करना मतलब 99% का सर्वाइव कर जाना या रह जाना। तो हमें जो फार्मूला पता है उसमें हमें वो पता है कि जो सर्वाइव करते हैं, एन इज़ द वन दैट सर्वाइव्स, तो 99% सर्वाइव करते हैं, तो मतलब एन डिवाइड बाई एन नॉट जो है वो इक्वल टू होगा माइनस सिग्मा एन जी, और एन बाई एन नॉट है 99 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स ई टू द पावर माइनस सिग्मा एन जी। अब ये एन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, वो हमें फाइंड आउट करने होंगे। जी हमने फाइंड करना है, सिग्मा हमें ये पता है कि टोटल क्रॉस सेक्शन क्या है, तो एन फाइंड करते हैं, और ये सिग्मा एन जी इलादे से फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर लिया जाए। और दोनों तरफ ऐसे नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, वो पहले ले लेते हैं क्योंकि वो उसकी पावर में आ रहा है ना। तो ये सिग्मा एन जी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, सिग्मा एन जी नेगेटिव साइन के साथ नेचुरल लॉग ऑफ ई वन होता है, तो जी चाहिए, तो ये यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 99 डिवाइड बाई 100 आपने कैलकुलेट करना है, ये ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा ये क्वांटिटी। और ये सिग्मा डिवाइडेड बाय एन इधर, अब ये सिग्मा पता है, एन की वैल्यू हमें देखनी है, एन की वैल्यू है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या देती है, नंबर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम वो देखती है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर याद हो तो हमें मिलते हैं मास अवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन ए, और अगर वी भी कर दें तो दिस इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एम बाई वी इज़ डेंसिटी जो कि गिवन है, वन जो कि गिवन है 7.3 मल्टीप्लाई टेन इज पावर सिक्स, ठीक है। तो मोलर मास गिवन है 114.79 और एन ए 6.02 मल्टीप्लाई टेन इज पावर 23 है। तो ये इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, पुट करना है, सिग्मा के पुट करनी है, और जी हमारे पास आ जाएगा, एंड दैट विल बी 9.37 मल्टीप्लाई टेन इज पावर माइनस 8 मीटर। फिर ये कहा गया है कि कोबाल्ट 60 को रिएक्टर में बनाया जाता है बाई बम्बार्डिंग दिस फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये 5 मल्टीप्लाई टेन इज पावर 12, आगे जो एन लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यू पर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, ठीक है। वो न्यूट्रॉन्स बस एक सिंबल है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो दिस इज़ 5। और ये फ्लक्स है, इसके यूनिट से भी पता चल सकता है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। और मैक्सिमम स्पेसिफिक एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, जब स्पेसिफिक का वर्ड आता है तो इट मीन्स एक्टिविटी जो कि डेल्टा एन बाई डेल्टा टी थी पर ग्राम, ठीक है। तो ये पर मास जब चीज़ आ जाती है तो उसको स्पेसिफिक वर्ड उसके साथ यूज़ करते हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। और ये सिग्मा ऑफ एक्टिविटी जो कि उसकी क्रॉस सेक्शन है क्रॉसपॉन्डिंग, वो 20 बार है, 20 मल्टीप्लाई टेन इज पावर माइनस 28 मीटर स्क्वेयर है। तो अब हमारे पास हमें जो फार्मूला स्टार्ट में लिखा था वो ये था, ठीक है। तो इसमें अब ये गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, एन क्या है, एन एज यूजुअल जैसे पहले भी लिखा था कि मास और मोलर मास इंटू एन ए है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, दिस आर नंबर ऑफ पार्टिकल। वो दूसरा फॉर्मूला था जिसमें वो ई टू द पावर माइनस सिग्मा एन जी आता है, इसमें ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है, क्योंकि यहाँ पे जब ये एक्सप्रेशन हम डिराइव कर रहे थे, हम देख रहे थे ना मल्टीप्लाई ए जी जो कि वॉल्यूम होता है, तो इस पर ये पर वॉल्यूम जो था इसका नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाते हैं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल रह जाते हैं, तो इसीलिए। तो ये अब मास जो है हम इधर ले जाते हैं, ये एक्टिविटी है, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट में कर देती हूँ, आर बाय एम हमें फाइंड आउट करना था, एम इधर मिले आई हूँ, तो ये 5 इंसिडेंट सिग्मा एन ए बाय एम रह गया है। 5 इंसिडेंट इज 5 मल्टीप्लाई टेन इज पावर 12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो ये इसको मीटर पर मीटर स्क्वायर में मैं करती हूँ, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसके टेन इज पावर माइनस टू इंटू माइनस टू का स्क्वायर बनेगा जो कि माइनस फोर बनता है, ये ऊपर चला जाएगा टेन इज पावर 4 हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप पुट करेंगे इसमें, टेन इज पावर 4 भी इसमें आएगा। सिग्मा जो है ये है अवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई टेन इज पावर 23 और मोलर मास
कोबाल्ट का 60, तो ये पुट करना है आर बाय एम, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कुछ। प्रॉब्लम इज़ कि उन्होंने कहा है कि कोबाल्ट 60 को इरेडिएट किया है विद फ्लक्स डेंसिटी, 3×10^12 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, इसे पहले मैं पर मीटर स्क्वेयर में कर देती हूँ जैसे प्रीवियसली भी किया था। तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना पर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, तो ये इसका जो सेंटी को हम करेंगे -2 का स्क्वेयर बनेगा, यूनिट का स्क्वेयर प्रीफिक्स का स्क्वेयर भी बनता है, तो ये जब -4 है तो ये ऊपर आएगा तो ये +4 बनेगा पर मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, तो ये इसका फाई आया है। और इसकी हमें बोला गया है कि टाइम फाइंड आउट करेंगे इरेडिएशन का, इरेडिएशन मीन्स उस पर कितनी देर तक हम पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते रहे सच दैट कि 20% ऑफ एक्टिविटी अचीव हो जाए, और मतलब हो जाए एक्टिविटी से नहीं हो जाए। और T1/2 जो हाफ लाइफ है वो 5.3 इयर्स गिवन है, इसमें क्रॉस सेक्शन नहीं है तो वो हाफ लाइफ वाला टाइप वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अगर 20% एक्टिविटी हो जाए, ठीक है 20% अगर हो जाए तो रह कितनी जाती है 80%, तो ये 80% लेफ्ट टाइप, ठीक है। तो ये dN/dt हमें पता है उस फॉर्मूला से जो हाफ लाइफ वाला, ये होता है लेमडा एन नॉट e^-λT, ठीक है dN/dt ये होती है मैक्सिमम एक्टिविटी, ठीक है। और ये है इंस्टेंटेनियस, तो ये वाली एक्टिविटी डिवाइडेड बाय लेमडा एन नॉट शुड बी इक्वल टू e^-λT, ये होना चाहिए 80/100, और ये होगा e^-λT। और आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ठीक नेचुरल लॉग ऑफ e1 होता है, तो ये फिर टी विल बी इक्वल्स टू 1/λ नेचुरल लॉग ऑफ 80/100। लेमडा हमें पता है कि वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 और टी ऊपर हाफ लाइफ चली जाएगी इसके इक्वल होता है। तो अब ये T1/2 हमें इसकी ईयर्स में गिवन है, तो ईयर्स में अगर टाइम निकाल करते हैं तो ये भी ठीक है। तो ये देख सकते हैं 1.76706 आया है, इसका नेगेटिव था ये वाला नेगेटिव, इसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा, इसका नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी इज इक्वल्स टू दिस जो प्रॉब्लम है। और ये मैं लास्ट प्रॉब्लम करा रही हूँ इसका, इसके बाद वाला आप देख सकते हैं वो आपको समझ आ जाएगा इसी से। तो उन्होंने बोला है एल्यूमिनियम टारगेट पार्टिकल है, टारगेट फॉइल है जिसकी थिकनेस इतनी है, और उन्होंने बोला है इंसिडेंट जो पार्टिकल हैं उनकी जो हम बम्बार्ड कर रहे हैं वो 10^12 पार्टिकल्स पर सेकंड है। उन्होंने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला एक दिया है हमें कि इसकी जब की गई स्कैटरिंग इसके साथ की गई इंसिडेंट पार्टिकल्स की, तो ये हमें फॉर्मूला इस केस के लिए जनरेट हुआ। और फिर उन्होंने बोला कि जब जो डिटेक्टर है यहाँ पे स्कैटरिंग इवेंट हो रहा है, वो जो डिटेक्टर है वो उसका एरिया 0.01 मीटर स्क्वेयर है, और वो जिस डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, ठीक है ये सारे डिस्टेंस सेम होंगे, रेडियल डिस्टेंस होगा, और वो डी इक्वल 6 मीटर होगा, ठीक है जहाँ इवेंट हो रहा है डिटेक्टर का। तो यहाँ पे अगर मैं डी सिग्मा यहीं से डी ओमेगा यहाँ से निकालना चाहूँ तो एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर होता है ना, तो एरिया 0.01 है डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर, और ये देख लेना है कि इसका क्या आंसर आता है। वैसे फाइंड ये नहीं करना था, मतलब ये यूज़ होगा आगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री जो आपको रिसीव हुए हैं पार्टिकल वो है 50 पर सेकेंड, ठीक है ये पार्टिकल हमें रिसीव हुए हैं यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे, ओके। और एट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये थीटा वन कर देते इसे थीटा टू, तो इसे I1 I2 जो रिसीव होते हैं, फिर पार्टिकल जो रिसीव होते हैं वो 40 पर सेकेंड होते हैं। डेंसिटी उन्होंने एल्यूमिनियम की जिसके साथ इंटरेक्शन हो रही है इंसिडेंट पार्टिकल की, आई नॉट इसको मैं कह देती हूँ इंसिडेंट पार्टिकल है, यहाँ पे एल्यूमिनियम पार्टिकल के साथ उन्होंने इंट्रैक्शन की स्कैटरिंग हुई हो रही है, ठीक है। तो ये जिसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, फॉर द सेम रीजन इट इज पर मीटर क्यूब, मोलर मैसेस का गिवन है 27 amu,
ठीक है, इसका फॉर्मूला जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इक्वल्स जो जो पार्टिकल रिसीव होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स, इंसिडेंट जो नंबर ऑफ पार्टिकल है और नंबर ऑफ पार्टिकल टारगेट पार्टिकल जो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के बनते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय डी ओमेगा। डी ओमेगा हमने कैलकुलेट कर लिया है। फाइंड हमने वैसे क्या करना था, हमने ए और बी कोफिशिएंट्स फाइंड करने थे, तो हम दो इक्वेशंस बनाएंगे डी सिग्मा बाय डी ओमेगा की, ठीक है, और उन टू इक्वेशन से ये फाइंड आउट करेंगे। एक हम फर्स्ट केस लेंगे थीटा वन 30 डिग्री वाला, ठीक है, और आई वन ये डी सिग्मा के बाय डी ओमेगा की वैल्यू इस पर निकालेंगे, इसको इक्वल करेंगे इसके थीटा, यहाँ पे यही थीटा वन पुट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, फिर इसके लिए करेंगे सिमिलर, दो इक्वेशंस बन जाएंगी उनको, फिर वो प्लस माइनस करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले डी सिग्मा वन हम गेस करते हैं, तो यहाँ पे आई वन आएगा, आई वन इज़ 50 और आई नॉट क्या है, आई नॉट दोनों के केसेस में एक ही है, 10^8 × 10^12 और एन जो है, एन मैं बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। डी सिग्मा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली होगी मल्टीप्लाई बाय एन, एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल, कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको बी पी एच डी होगी होगी इस पर, ये डेंसिटी हमें गिवन है 10^6 × 6.02 × 10^23, ठीक है, एन ए डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास इसका 27 है। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम हुए ना, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा किसी वॉल्यूम से ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल बने, पर पे जो वॉल्यूम आ रहा है वो कैंसिल हो जाए ऊपर वॉल्यूम। तो थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम वो लेंगे, थिकनेस इनटू एरिया ये 10 μ, म्यू होता है 10^-6, 10^-6 = 0.01, ठीक है, ये एन की वैल्यू है, इसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पुट करना है, ये सारी वैल्यू निकालनी है। ये डी सिग्मा वन के केस में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये जो वैल्यू आई है इसे पुट करेंगे इक्वल टू ए प्लस बी कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देनी, ये वैल्यू एक न्यूमेरिकल आ जाएगी, लेट से वो 0.2 है ये, लेट से तो ये एक इक्वेशन वन बन गई। इसी तरह इक्वेशन टू करेंगे जिसमें यहाँ पे आई टू होगा, यहाँ पे आई टू ये 40, आई नॉट सेम, एन भी सेम, डी सिग्मा भी सेम, बस ये चेंज हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, और सारी बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और फिर इसको इक्वल कर देना है इसके, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री पुट कर देना है, दो इक्वेशंस बन गई, तो एक में से ए की वैल्यू निकाली इसमें पुट कर दी, लेट्स से बी निकल आएगा और इसी तरह ए भी निकल आएगा और ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन।